आयुर्वेद में एक सूत्र बताया गया है, बात किए बिना खाना खाना चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए, खाना खाते वक्त सोच विचार करके, टीवी देखते हुए, गुस्सा में, इस तरीके से हमें खाना नहीं खाना चाहिए, ज्यादा बात करते हुए, बोल बोल के खाना फंस जाता है। आपने ये चीज नोट भी की होगी और हिचकी आने लगती है उसके बाद में। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? देखिए, हमारी ना जो हम खाना खाते हैं वहां पर दो पाइप्स हैं, एक विंड पाइप है, एक फूड पाइप है। जो विंड पाइप है ना उसके ऊपर एक फ्लैप होता है जिसे हम लोग कहते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जो होता है वो क्या करता है, जब हम खाना खा रहे होते हैं ना उस टाइम पे उस विंड लाइन को बंद कर देता है, विंड पाइप जो है उसके ऊपर कवर कर देगा ताकि जो खाना है हमारा फूड पाइप में ही जाए और उसमें विंड में नहीं जाए। अगर ऐसा होता है, सपोज हम बात कर रहे होते हैं, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ना उस चीज को कंट्रोल कर रहा होता है वहां पर, और जब हम लोग बोल बोल के खाना खाते हैं ना तो हमारा जो ब्रेन है वो कन्फ्यूज हो रहा है, ये लोग खाना खा रहे हैं या बात कर रहे हैं, तो मतलब विंड पाइप, विंड कब खुलेगा, हवा आएगी तभी हम लोग बोलेंगे और वो जो खाना है वो फंस जाता है बोलते बोलते हमारी विंड पाइप में, और उसके बाद आती है हमें हिचकी, और उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग पीते हैं पानी ताकि जो हिचकी आना है वो कम हो जाए। तो इसीलिए आयुर्वेद में सूत्र बताए गए हैं, उन्हें हमें बिना सोचे समझे फॉलो करना चाहिए क्योंकि वो सब कनेक्टेड थे। मॉडर्न साइंस अब बता रहा है, आयुर्वेद आपको बहुत पहले से समझा चुका है। हरे कृष्ण।